आज मैं खड़ी हूँ देवधर ग्राम पंचायत में। मैं 2 महीना पहले हैंडपम्प को यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय था और मैं खबर निकाली थी, तो खबर का असर यहाँ पे हैंडपम्प लग गया है। लोगों का कहना है कि आप खबर ले रही है कि खबर निकालने से यहाँ पे हैंडपम्प लग गया है, तो हम लोगों को बहुत सुविधा हो गई। हम लोग यहाँ पे आते हैं, सार्वजनिक शौचालय है और पंचायत भवन है, तो यहाँ पे हम लोग आए दिन मीटिंग या बैठक करते थे तो हमें बाहर पानी लेने जाना पड़ता था और इस्तेमाल के लिए। अब तो यहाँ पे हैंडपम्प हो गया तो हम लोगों को बहुत सुविधा हो गए। खबर निकालने से तो असर हुआ है, मगर लोगों की भी बहुत खुशियाँ हैं कि खबर ले रही है, जब काम करती खबर निकालती तो उसमें असर होता है, तो हम लोगों को बहुत खुशी होती। अब खबर निकाल तो सुविधा आई नहीं कहाँ, इतने दिन प्रधान रहा नहीं लगवाई, अब नया प्रधान हो गया तो दोनों जने मिल के सुविधा दे दिन, हमका भी आराम हो गए। तो क्या खबर नहीं निकलती कि हैंडपम्प नहीं लगता? ना लगता, कहाँ लगता है अब इतना जल्दी, कहाँ लगता। पानी पिए कुआँ तो जात रहे हूँ वाले दूसरे के नल, अब बाकी साहेब लोग आते हैं तो वहीं में पानी पिंडा करते हैं, सब कार सुविधा हो गई, अड़ोस पड़ोस का हो गई। कब लगा हैंडपम्प? हो गई 10-11 रोज लगे। तो अब किस तरह की सुविधा हो गई? अब ठीक है, अच्छा हो गया दीदी, पानी का हमों को सुविधा हो गई, नहीं पानी का तकलीफ रही। जब तुम आयो तो इनता क्या बतावा, तुमसे तो आके सुविधा करवा दे हो, हमका भी आराम हो गए। आपको अब किस तरह की खुशियां हैं कि हैंडपम्प लग गया? अब हमका बढ़िया खुशियां, जब पानी मिलेंगे तो खुशियां तो रहेंगे। कब हैंडपम्प लगा? ये अभी 5-6 दिन हो गए। क्या क्या सुविधा हो गई? अब पानी की सुविधा बहुत बहुत समस्या थी पानी की यहाँ पे, अब पूरी समस्या बढ़िया, पानी चल गया, पानी दे रहा है नल, सबको सुविधा हो गई। इसमें कोई निकाला था अखबार वाले या पेपर वाले कोई? खबर लहरिए वाले एक बार निकाले थे जब नल नहीं लगा था, तो उसी में अब जो है नल लग गया है, कोई सारी आदमी को सुविधा हो गई। इसमें कितने लोग आते हैं यहाँ पंचायत भवन में? अरे बहुत लोग आते हैं, 100 आदमी दिन भर में, कम से कम 100-150 आदमी आता है। यहाँ पानी की बहुत समस्या थी। जब पहले नहीं था तो आप लोग कहाँ पे जाते थे? बाहर चौराहे पे जाते थे, लोग बाग वहीं पीते थे। खबर लहरिया वाले ने खबर निकाले तब लगा है। तब लगा है? हाँ, नहीं यहाँ कई 5 वर्षी हो गए, अभी आज तक नल की व्यवस्था नहीं हुई थी, नल नहीं लगा था। पहले नहीं लगा था तो वहाँ 50 मीटर फैले लगा था, वहाँ जाते थे पानी पीते थे, वहाँ से प्रधान भी यहाँ बैठता था, वो भी अपने पीने को यहाँ लाता था। क्या सुविधा हो गई आप लोगों को? बात यह है कि अब जैसे हैंडपम्प लग गया तो वहाँ सुविधा ये हो गई, पानी की आराम हो गया। मान लो कोई यात्री भी आता है वहाँ बसने लेता है, उसको भी पानी पीने की सुविधा, पंचायत भवन है ही है, मान लो वहाँ बैठना उठना है ही है। अब हैंडपम्प लग गया है, पानी की व्यवस्था वहाँ फिट हो गई, 4 लोगों की अगली बगली की वो भी व्यवस्था हो गई है, पानी के लिए वहाँ सुविधा आराम। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।